आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूँ और इस स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले बात पीएम मोदी और ओबामा के गेम ऑफ ड्रोन्स की। इंडिया और यूएस के बीच मानव रहित विमानों की ये डील भारतीय सेना को भविष्य का हथियार देगी। हम बात कर रहे हैं एवेंजर ड्रोन की, जिसमें दुश्मनों को पहचानने के लिए ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। लेजर गाइडेड बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस ये यूएवी अमेरिकी सेना का प्रमुख हथियार है। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये ड्रोन हमें और सशक्त बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि इसकी जो हेल फायर मिसाइल है वो दुश्मनों को सीधे हेल तक यानी कि नर्क का रास्ता दिखाती है। प्रेडेटर एवेंजर ड्रोन बिना रुके 18 घंटे तक उड़ सकता है और इसकी रेंज है 2900 किलोमीटर। कुछ इसी तरह वॉर रूम में बैठे बैठे दुश्मनों की कब्र खोद दी जाएगी और इसके लिए किसी की जान भी खतरे में नहीं डालनी पड़ेगी। टारगेट कैप्चर, क्योंकि दुश्मनों की तस्वीर लेने से लेकर उनको बर्बाद करने का काम हवा में उड़ती हुई ये मशीन करेगी। इस स्मार्ट किलिंग मशीन का नाम है प्रीडेटर सी एवेंजर ड्रोन। बिना पायलट के उड़ने वाला ये अमेरिका का लेटेस्ट आर्म ड्रोन है। कैमरे, रडार, मिसाइल और बमों से लैस ये ड्रोन दुश्मन को अपनी खबर दिए बिना उसके इलाके में घुसने की क्षमता रखता है। इसकी यही काबिलियत देखकर भारतीय वायुसेना ने इसे खरीदने का फैसला किया है। Weapons armed. Cameras on. Targets destroyed. प्रीडेटर एवेंजर ड्रोन हवा में लगातार 18 घंटे तक उड़ते हुए 2900 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें दुश्मनों को पहचानने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। एवेंजर में लगे कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर और रडार लक्ष्य की वीडियो और स्टिल इमेज ले सकते हैं। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एवेंजर जमीन पर किसी भी टारगेट को पहचान कर निशाना भी लगा सकता है। ये विमान स्टिल्थ यानी रडार की पकड़ में आए बिना उड़ सकता है और दुश्मन को खोज कर तुरंत उसका सफाया कर देता है। लेजर गाइडेड बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस ये यूएवी अमेरिकी सेना का प्रमुख हथियार है। 740 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला एवेंजर ड्रोन अपने साथ 4600 किलोग्राम का पेलोड यानी हथियार भी ले जा सकता है। हेलफायर मिसाइलों से लैस एवेंजर अपने दुश्मनों को सीधे नर्क भेजने का इंतजाम करता है। इस ड्रोन में कोई पायलट नहीं होता और इन्हें 12,000 किलोमीटर दूर से सैटेलाइट लिंक की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिकी सेना का ड्रोन ऑपरेशन अफगानिस्तान में होता है, लेकिन कंट्रोल अमेरिका से किया जाता है। एवेंजर ड्रोन इसी सीरीज के पिछले वर्जन प्रेडेटर और रीपर से कहीं ज्यादा एडवांस और घातक है। पहले ड्रोन में टर्बोप्रॉप इंजन लगा था, लेकिन अब इसमें जेट इंजन लगा दिया गया है। इस ड्रोन की लंबाई 44 फीट है और इसके विंग्स यानी पंखों की लंबाई 66 फीट है। ये अमेरिका की मिलिट्री माइट का एक बहुत बहुत जरूरी, एक बहुत आवश्यक कंपोनेंट है, जिससे कि अमेरिका की आंखें 1,000 किलोमीटर दूर पहुंचती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग 1,000 किलोमीटर दूर और हजारों फुट ऊपर से हो सकती है, हेलफायर मिसाइल्स उसमें होती हैं जो दूर से मार सकते हैं, उसको कई मीलों दूर से मार सकते हैं। तो ये जो अमेरिकन आर्मी या अमेरिकन एयरफोर्स की जो ताकत है उसको कई गुना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई करके सामने पेश करती है। पाकिस्तान से आतंकियों को लगातार भेजने के कारण एवेंजर ड्रोन की डील देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अत्याधुनिक ड्रोन जल्दी मिल जाए तो पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर लगातार हमले को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, साथ ही सीमा पर आतंक के ठिकानों को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा।
भारत को ड्रोन की आवश्यकता तमाम चीजों के लिए है। पहली बात तो ये है कि बॉर्डर पर सर्विलेंस के चाहिए, और जो हमारे एरिया या हम यूज करना चाहते हैं पीओके में, जहां की तमाम ऐसे आतंकवादी कैंप हैं और पीओके है वो हमारी जगह है वहां पर। ऐसे हथियार बंद ड्रोन से कितनी आसानी से आतंकियों को ठिकाने लगाया जा सकता है, ये आप इस फिल्म की मदद से जान सकते हैं। यहाँ कुछ आतंकवादियों को एक ड्रोन ने भीड़ के बीच पहचाना। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों ने आतंकी की पहचान साबित की और फिर मिसाइल फायर करके सैकड़ों किलोमीटर दूर से उनको ठिकाने लगा दिया गया। सीमा पार से पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजता रहता है, इसलिए उन पर नजर रखने और आसमान से ही जमीन पर उनकी कब्र खोदने के लिए अमेरिकी ड्रोन एवेंजर काफी कारगर साबित हो सकते हैं। एवेंजर ड्रोन से पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय सेना चीन बॉर्डर पर भी नजर रख पाएगी। 8 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक यूएस में नई सरकार के आने से पहले मोदी सरकार डील में तेजी लाने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में ही ड्रोन डील को फाइनल कर दिया जाए। आप इस डील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिटर्न गिफ्ट भी कह सकते हैं। दोस्ती जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और ओबामा में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर साउथ चाइना सी, जहाँ चीन ने दावा लगाया हुआ है पानी पे, तो उसके हिसाब से अमेरिका की कोशिश के भारत को मदद करो ताकि भारत तगड़ा हो, लड़ाई के नहीं लिए लेकिन शांति के लिए। अब तक अमेरिका से सर्वेलांस यानी दुश्मनों की निगरानी करने वाले ड्रोन खरीदने की बात हो रही थी। अब बताया जा रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी MTCR में भारत के शामिल होने के बाद देश को हथियार चलाने वाले ड्रोन भी मिल सकते हैं। रिमोट कंट्रोल्ड वॉरफेयर है, रोबोटिक वॉरफेयर है, जो कि बड़ा जरूरी है आजकल, और हमें जितने मिले हमारे सैनिकों की जान ये बचा सकता है, क्योंकि जो काम सैनिक जाके करते और अपनी जान जोखिम में डालते वो काम अब प्रेडेटर ड्रोन कर सकता है और उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है। एवेंजर ड्रोन की एक और खासियत है, ये फ्यूचर प्रूफ है, यानी ये भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है। एवेंजर में हाई एनर्जी लिक्विड लेजर एरिया डिफेंस सिस्टम लगाया जा सकता है। ये एक लेजर वेपन है और अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। इसकी मदद से रॉकेट, मिसाइल, गोले और मोर्टार को हवा में ही मार गिराया जाएगा। अगले कुछ सालों में ये लेजर वेपन तैयार हो जाएगा। भविष्य के हथियार से लैस ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए अजय हथियार बन जाएगा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर इस साल दोबारा इंडिया आ सकते हैं और तब इस एवेंजर ड्रोन की डील पर ओके की मुहर लग जाएगी। ओबामा के रिटर्न गिफ्ट के बाद इंडियन एयरफोर्स की हवाई ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, Z Media.